हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? आज हमारे साथ है द बीस्ट बॉय। हेलो एवरीबॉडी। तो इसका चैनल का नाम है द बीस्ट गेमर 1234। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो जाके उसे भी सब्सक्राइब कर दो, उसकी चैनल की और लिंक। वेब कवर को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक हाँ, हम दोनों को कर दो, उसकी चैनल की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज, आज के इस वीडियो के लिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आज हम लोग बनाने वाले आपके गंदे विंडोज़ को मैक की तरह, जो कि बहुत अच्छी लुक देने वाला है। लास्ट में भाई देख लेना, बहुत मस्त है। तो पहले आपको डिस्क्रिप्शन से ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है, फिर इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट टू कर देना। तो ये एक्सट्रैक्टिंग का काम होने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर बन के रेडी हो जाएगा। फिर आपको इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। फिर मैक लुक फॉर, ये फिर से फोल्डर, फिर यहाँ पे आपको अभी मेन मेन सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको नेक्सस का सेटअप मिल जाएगा, उसको डबल क्लिक करके यस करके इंस्टॉल कर लेना। और हमारा केविन यहाँ पे सही से बैठा हुआ है, सब समझ रहा है उसको। हाँ तो चलो, ये किया मैंने इंस्टॉल, अब ऑलमोस्ट हो चुका है इंस्टॉल। अब देखो ये हो चुका है। हाँ, अब मैं सब मिनिमाइज करता हूँ और अब मैजिक अभी देखना क्या हुआ केविन। इंस्टॉल हो चुका है और अभी मैजिक देखना है। अपनी जो विंडोज की ओएस है वो डायरेक्टली मैक उसमें चली जाएगी। देखो हाँ, मैजिक देखो अब मैजिक। देखना, जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा ना, देखना क्या होता है। बूम, ये देखो क्या है। और मेरे यहाँ सही से रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना। हाँ, ये अच्छा देखो, बूम, सब एकदम मस्त देख रहे हो। अभी इसमें थोड़े सेटिंग करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको नेक्सस पे डबल क्लिक करना है। नहीं, डबल भाई गलती से हो गया, डबल क्लिक नहीं करना है आपको। सिंगल क्लिक करनी है। हाँ, सिंगल क्लिक करना है। मैं जाता हूँ यहाँ पर, एक मिनट दो, यहाँ से मैं इसे क्लोज करता हूँ। नेक्सस कहाँ है? पेंटास्क, ओके। अब रहा ये, एक क्लिक करना है आपको इसके ऊपर और पोजीशन यहाँ पे सब हेलो, पॉपअप खुल जाएगा। हेलो, क्या हुआ? हेलो केविन, तो गाइज आपको यहाँ पे इसको बॉटम करना है और इसको सेट कर लेना जितना चाहिए, मतलब नीचे से ये जगह कितनी छोड़नी है। फिर आपको यहाँ पे टास्क्स में आना है, हाइड विंडोज टास्क बार को ऑन कर देना है। और फिर यहाँ पे और क्या करना है आपको, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, अप्लाई करना है और क्लोज कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अभी आपको अगर ये ऐसा चाहिए, ये आपको मैक का होता है, देखो ऐसा अगर आपको चाहिए, देख लो भाई बहुत तगड़ी लुक देता है। और ये एक्चुअल में वर्क भी करता है। अब पता नहीं, मैं क्लिक करता हूँ तभी ये निकल क्यों जाता है इतने जल्दी। ये देखो, ये वर्क किया। तो अगर आपको ये चाहिए ना, तो पहले तो आपको रेन मीटर इंस्टॉल कर लेना होगा आपके पीसी में। और वो कैसे इंस्टॉल होगा, इससे, यहाँ से आप इंस्टॉल कर लेना। फिर ये इंस्टॉल होने के बाद, ये योज माइट है, इसको जाके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ये दोनों कर लेना है। सिर्फ आप यही करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। फिर आपको ये चाहिए सिस्टम लैन, ये जो है इसको आप इंस्टॉल कर लेना, या इंस्टॉल दबा के। फिर अब आप बोल रहे होगी कि गाइस बीस्ट बॉय कहाँ गया, कहाँ गया बीस्ट बॉय? भाई सही बात है, एक्चुअली उसको वही काम है थोड़ा एडिटिंग वगैरह का, उसका भी तो चैनल है, तो वो हो चुका है, थोड़ा बिजी है वो। अगली वीडियो में, कौन से तो वीडियो में आ जाएगा वो, पक्का आएगा, मैं उसे बोल दूँगा। तो आज के इस वीडियो में मैं ही अकेला ही करता हूँ, तो कोई बात नहीं, उसके भी ना भी काम कर सकते हैं हम। तो आपको ये ब्लैक करने के लिए ये कर लेना है। अब बोलोगे वाइट वाला ही अच्छा था, नहीं भाई सही है, दोनों अच्छे हैं। ये जो है ना, ये ब्लैक है, इसलिए ये भी ब्लैक चाहिए। तो अब आप क्या करना है,
यहाँ पे आके ये पहले तो सेटअप डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर लेना, और फिर और अभी ऑलमोस्ट सब हो चुका है, अभी सिर्फ माउस पॉइंटर्स बचे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है, फिर आपको यहाँ पे भाई मैं सीधा डिस्क्रिप्शन में सब दे दूँगा। अब मुझे भी तो ढूँढना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा वर्किंग है, तो यहाँ पे भी मैं पॉज करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ वहाँ पे ढूँढ के। ओके गाइस, फाइनली मुझे मिल चुका है। तो वो आप कैसे करोगी वो अभी मैं आपको बताता हूँ। चलो ये है वो साइट, ये देखो, ये आपकी सीधा आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिल जाएगी। ये होने के बाद ये कुछ नहीं दबाना है, यहाँ पे डाउनलोड का बटन तो है बट ये उसका नहीं है, ये एड्स है भाई, एड्स है। आपको मेरी तरह सीधा डाउनलोड करना है, मैं जैसे बताऊँगा वैसे। यहाँ पे देखो गिट हब ऐसे कुछ तो ये है, इसके ऊपर अपना माउस लेना है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे पहुँच जाओगे, फिर कोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड जिप, ये आ गया। डेस्कटॉप पे जहाँ पर भी है वहाँ पे सेव करना, फिर देखना। अब मैं मिनिमाइज करके, यहाँ पे आ गया, ये हुआ है डाउनलोड। इसको अभी आपको एक्सट्रैक्ट टू करना, और ये आपका एक फोल्डर बन के रेडी हो जाएगा। अब ये है आपके कर्सर्स। अब देखो नॉर्मल वाला खोलो, कितना साइज चाहिए वो। यहाँ पे आपको इंस्टॉल मिल जाएगा, इंस्टॉल दबा देना, यस कर देना, स्क्रीन पे आया होगा तो। और वाइज हो गया। अब सिर्फ आप बोलोगे माउस पॉइंटर किधर आया, पहले का तो पहले का ही है। सही बात है भाई, अभी सेट कौन करेगा, लगा तो दिया, अब सेट भी तो करना पड़ेगा। तो आपको माउस सेटिंग्स में जाना है, आपके ये विंडोज़ के सर्च बार में सर्च करना माउस सेटिंग्स, फिर यहाँ पे एडिशनल माउस ऑप्शंस पे, फिर पॉइंटर्स, फिर यहाँ पे आके मैक ओएस कर्सर्स में ओके कर दो और यस कर दो। और गाइस देखो हो चुका है। अब साइज़ भी तो है, साइज़ थोड़ा बढ़ाएंगे हम, कुछ ज़्यादा बड़े हो गए क्या, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, जाने दो, कोई बात नहीं। हम अभी सेट करने वाले वो वापस से, मेरी गलती से निकल गया वो। ये रहा मैक ओएस कर्सर्स वाला, और गाइस आपका सेट हो चुका है। एंजॉय करो बहुत तगड़ी लुक के साथ। और एक चीज़ भूलना मत, जो कि है शो डेस्कटॉप आइकॉन्स को अनटिक करना। तो गाइस मज़ा करो बहुत ही। आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए बिस्ट बॉय को भी पक्का बुलाऊंगा। देखते हैं, अब वो भी तो बिज़ी होता है, मैं भी तो बिज़ी होता हूँ, बट फिर भी रिकॉर्डिंग करते हैं हम। तो चलो आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अभी तो इसको एडिट भी करना है भाई, बहुत काम होता है। तो कोई बात नहीं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।